इस साल 2020 हमारा शायद लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते काफ़ी पाबंदियों के बीच हो गया है। अगर हम देखें तो कुछ छात्राएं और छात्र और छोटे बच्चे और घर के बुजुर्गों को तो यहां से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में रहना उनके लिए बहुत कठिन काम है। चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जिनके जरिए आप अपना टाइम और अपनी बचत और अच्छे लाभ पा सकते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि इनके हाथों में कुछ सब्जियां हैं। जी हाँ, आज हम बताएंगे कि घर में रहकर लॉकडाउन में या वैसे भी हम सब्जियां कैसे उगा सकते हैं और किन तरीक़ों से कम जगह पर इसका उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि एक गार्डन है। गार्डन के किनारे की ओर एक जगह पड़ी दिख रही है जिसे इन्होंने एक किनारी से यूज़ किया हुआ है। अपनी फल फ्रूट या जो भी सब्जी तरकारी लगानी है उसके लिए आप भी इसी तरह से अपने आंगन में कर सकते हैं। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें आपके पास एक बड़ा आंगन है जिसमें कई तरह की चकोर मेड़ बनाकर उसमें फल सब्जियों को बोया गया है। आप ध्यान से देखें तो इस तरह से भी आप अपने गार्डन की साज सज्जा कर सकते हैं और सब्जियां उगा सकते हैं। घर में रखे हुए गमलों में भी आप धनिया टमाटर मिर्च आदि का पेड़ लगा सकते हैं। बेल वाली पेड़ें भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप किसी लकड़ी या पड़े हुए टपों का यूज़ करके भी सब्जियाँ बो सकते हैं, जैसे बैंगन लहसुन प्याज और आपके खाने वाले कई प्रकार की बंदा गोभी सब्जियाँ गोभी आदि। आप इसके बीज बाज़ार से लाकर अपने पड़े बेकार लकड़ियों या सामान डिब्बों आदि का यूज़ करके खेती कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप फूलों की भी क्यारियाँ बनाकर उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो अपने गार्डन में लगाकर इनका प्रयोग कर अपना तनाव और लॉकडाउन की वजह से आप जो बंद हैं घर में उससे आप बच सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर को एक हरा भरा लुक भी मिलेगा और आपको फल सब्जियां और फूल इत्यादि भी मिलेंगे। यहाँ से आपका मानसिक तनाव भी कम होगा और आपको पेड़ पौधों से भी लगाव होगा और आपकी दिनचर्या में कुछ काम बढ़ेगा जिसके चलते आपको बहुत स्फूर्ति मिलेगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यह लाइक के लिए नहीं, लॉकडाउन और जो अकेले रहते हैं उनके लिए यह एक सरल उपाय है। जो जीवन में कुछ करना पसंद करते हैं उनके लिए है। और अगर आपके यहाँ बागान है पर उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके पास अभी वक्त है, उस पर ध्यान देकर अपना कीमती समय दे सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।